वर्ल्ड का जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो खारदुंगला टॉप नहीं है गाइस। दीवाना बोले झूले 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 झूले, शायद इस जन्म में मुलाकात। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज राहुल कोहली और आप देख रहे हैं आई एम कोहली यूट्यूब चैनल। आज हमारा ले के अंदर डे 3 है। सो आज का जो प्लान होने वाला है, हम करीब करीब 114 किलोमीटर की ड्राइव करने वाले हैं आज। सो सबसे पहले हम ले सिटी से निकलेंगे और जाएंगे साउथ पुल्लू, साउथ पुल्लू से जाएंगे फिर खारदुंगला, खारदुंगला के बाद जाएंगे हम नॉर्थ पुल्लू, देन फिर उसके बाद खारदुंग विलेज एंड खलसर एंड देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, अगर हमारे पास टाइम रहा आज तो। सो गाइज, मैं आपको एक बार रूम टूर दे देता हूँ। एंड बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी ये। सबसे पहले व्यूज देखिए गाइज, जो विंडो के अंदर से जो ये सामने जो ये जितनी भी ये रेंज है ना, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। यहाँ पे हमारा सारा सामान बिखरा हुआ है। यू नो लाइफ कैसी होती है हम लोगों की जो वीडियोस बनाते हैं। ये सारा, ये कल रात को हमने बोल दाल राइस खाया था तो वो सारा रखा हुआ है। एंड ये बैठा है, यहाँ पे सारा का सारा डेटा हम सेव कर रहे थे। एंड देन यहाँ से देखिए पूरा रूम का व्यू गाइज, आई मीन कैमरे में मे बी ना लगे बहुत बड़ा, एक डबल बेड यहाँ दे रखा है, बट ये बहुत स्पेशियस और बहुत बड़ा है। 1000 rupees पर पर्सन था यहाँ पे, जिसके अंदर इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो सीन इस तरीके से है कि मैं सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन भैया का नाम नंबर सब कुछ मैं डाल दूंगा, इनकी वेबसाइट भी है। एंड दिस इज़ दी होटल रूम, दे हैव इन टोटल 15 रूम्स ओवर हेयर। द नेम ऑफ द होटल इज तारा पैलेस। So guys, we have just left our hotel and now we are heading towards South Pullu. So Leh से जो South Pullu का जो distance है, that is 24.8 kilometers. वन अपडेट हेयर गाइस, ये जो रास्ते हैं ना ले से लेके खारदुंगला तक, रास्ते बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, कोई भी इशू नहीं है रोड्स पे, बहुत प्लेन और न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड्स हैं। बट रास्ते जो है बहुत ही स्मॉल है, बहुत नैरो रोड्स हैं। सो कई बार क्या इशू होता है कि जैसे ही आप इस रोड पे चलते हैं आगे की तरफ, तो सामने से जो गाड़ी आ जाती है तो उसके लिए रास्ता नहीं होता, तो मेक श्योर यू गिव वे टू अदर्स। गाइज अब हम पहुंच चुके हैं साउथ पुल्लू। साउथ पुल्लू के अंदर अब हमको जाके अपने जितने भी परमिट्स हैं जो हमने लिए हैं यहाँ पे चेक कराने होंगे और एंट्री करानी होगी। सो आगे बताता हूँ मैं, अभी एंट्री करवा के आते हैं पहले, देन उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। सो गाइज हेयर इज एन अपडेट, आप साउथ पुल्लू पे अपना जो ई पास, जो आप ILP बनवाते हैं, परमिट जो बनवाते हैं, उसकी हार्ड कॉपी भी लेके आ सकते हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी लेके आ सकते हैं। उसके ऊपर एक बार कोड होता है, वो ये स्कैन करते हैं एंड देन उसके बाद आपको अपनी गाड़ी की डिटेल्स लिखवानी होती है, लाइक गाड़ी का नंबर और कितने बंदे आए हैं और कौन सी कार में आए हैं या बाइक से आए हैं, ये सब कुछ लिखवाना होता है आपको। सो अभी का प्लान तो यहाँ पे सॉर्टेड हो गया है साउथ पुल्लू से। अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स खारदुंगला टॉप, विच इज 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। यस बोलो। एक चीज नोट करी, बताओ ये पहाड़ों में कल सारे पहाड़ों में बर्फ नहीं थी। हाँ नहीं थी, दो दो चार चार, दो दो चार चार, अगर ये वही वाले हैं तो वही है नीचे ले, ले। अच्छा वही है, ले तो वही है। हाँ तो फिर तो, फिर तो ये कल मौसम भी कितना खराब हो रहा था, जब ओवर इंच रात थी, अभी भी हो रही है देखो। हाँ तो हम जब शांति स्तूपा गए थे तब की बात है ना, है ना इस पहाड़ के जस्ट, हाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना। हाँ अब ये इधर की ओर अगर आ गया हाँ तो ये मौसम बना देगा।
तो मतलब बारिश और स्नो के चांसेस है। हाँ हाँ वो देखना पूरा। हाँ वो तो पूरा काला ही हो गया यार। ब्यूटीफुल यार ये होती है जगह। देख यहाँ लगाना चाहिए कैंप और यहाँ पे बैठ के ना एक दिन दो दिन बिताओ। शांति देख कितना फ्लैट हुआ है। आँख खोल और सामने देख। वी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट हाइट यार। हाँ ये जानवर क्या वो आई डोंट नो क्या जानवर है वो। बड़ा प्यारा सा अभी यहीं पे ही बैठा हुआ था। वो देखिए अगर कैमरे में आ रहा होगा तो वो देखिए वो आई डोंट नो क्या नाम है इसका। ये रहा ये रहा ये रहा गाइस देखिए ये जो सही सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए गाइस। जैसी मैंने बोला पूरा रोड बना हुआ है तभी हमारे को एक छोटा सा खराब पैच मिल गया। अभी तक तो थोड़ा मतलब वहाँ पे भी काम चल रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि वो खराब है। हाँ सो थोड़ा सा ऐसा पैची मतलब पैच है थोड़ा सा अभी तक थोड़ा खड्डे वड्डे है बट अभी भी यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक जब हम आएंगे दोबारा तो तब तक ठीक हो चुका होगा। देखो शार्प टर्न लिखा हुआ है ना स्लॉब है ऊपर है। यहाँ पे पहले मिट्टी मिट्टी बिछी हुई थी तो उसकी वजह से बाइक फंस जाती थी बहुत लोगों की। अब तो इन्होंने बना दिया है। गाइज वन मोर एग्जाम्पल देख सकते हैं प्लीज ड्राइव केयरफुली अदरवाइज तो यू नो द रिजल्ट। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ज्यादा करोगे मामा तो उतर जाएगा पजामा। हाँ पूरा नहीं बोला मैंने। ये आ गई बर्फ देख लो भैया बर्फ है बर्फ। शायद बर्फ के बीच में से निकलेंगे हम लोग। खतरनाक वाला एडवेंचर अगर है तो। लोग खड़े होके फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पे। ये लगे हुए हैं हमारे बीआरओ के वर्कर्स काम पे। थैंक यू जूले। ये रुको रुक गई। अच्छा रुकी है। भाई सामने वाले पहाड़ देखिए यार मतलब इटर्नल ब्यूटी है यहाँ पे। इटर्नल क्या बोले क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं मतलब दिल कर रहा है रॉ फुटेज ही डाल दूं सारी की सारी चार पांच घंटे की देखते रहो जो पसंद है। और सामने देखो गाइस पूरे के पूरे बादल ही बादल है। आई एम श्योर वहां पे जब हम कल गए थे शांति स्तूपा कल वहां पे इस तरीके के ही बादल हो रहे थे वहां से हमें दिखे थे उस वाली माउंटेन पे और कम बर्फ थी बट अब तो बहुत ज्यादा बर्फ है वहां पे। सो इसका मतलब कल वहां पे बहुत दबा के बर्फबारी हुई है। और ये देखिए गाइस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी विल इन खारदुंगला। नसीब में ये बात हो ना हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। इस जो मैंने आज तक ना दूसरों की वीडियो में देखा है ना वो आज मैं फील करने वाला हूँ। ये जितनी भी ड्रॉप्स है ना ये पानी की ड्रॉप्स ये जमती जा रही है इसे क्रिस्टल होता है ना क्रिस्टल उसकी तरह लग रहा है सारा का सारा। वाव ये देखिए ऊपर ये सारी वाटर ड्रॉप्स है जो गिरते गिरते सारी जम चुकी है। इमेजिन कितनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे।
टूट गया। ये वाला कोशिश करते हैं, ये देखिए गाइस, ये तो बहुत छोटा है, ये देखो, अरे वाह, सी दिस। और ये तो अभी बहुत छोटा है क्योंकि हम बहुत लेट आए हैं। अगर हम आते ना करीब एक महीना पहले तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसे वाटर ड्रॉप्स जमी हुई मिलती है। खारदुंगला टॉप, यहाँ पर है खारदुंगला टॉप और यहाँ भी गाड़ी के अंदर हम हैं। अब बस तैयारी करते हैं, ऊपर जाके कुछ एक फोटोज लेते हैं और कुछ एक चाय पानी पीते हैं एंड देन विल मूव ऑन। सो गाइज, फाइनली आफ्टर ड्राइविंग अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम ले मार्केट, वी हैव मेड टू खारदुंगला टॉप। एंड हाउ इज़ द फीलिंग नीरज भाई? अमेजिंग। यही सोच कर शुरू किया था 2-1.5 महीने पहले के जाएंगे और आज पहुंच गए हैं। बड़ा इमोशनल सा भी लग रहा है। कैमरे के अंदर व्हाटएवर, आई मीन मैं कितना भी दिखा लूँ ना, जो आंखें देख पाएगी वो कैमरे में कभी नहीं आएगा। हाँ, ये है, आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिल जाएगी कि आपको आना है यहाँ पे, बट जो जो आपको जो फील मिलेगा ना वो यहीं आके मिलेगा। सो गाइज, वी हैव मेड टू दी खारदुंगला टॉप, जिसकी हाइट है 17,982 फीट फ्रॉम द सी लेवल। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक आया हुआ है, ये देखिए पीछे, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फोटोज़ के लिए। बाकी जो अपना मेन काम था खारदुंगला टॉप पे आना, वो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। बट भीड़ की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, एंड देख ही सकते हैं आगे पीछे बहुत सारी कार्स हैं, टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, एंड अपनी भी गाड़ियाँ लेके, पर्सनल कार्स लेके लोग आए हुए हैं। सो एक्सपीरियंस, इफ़ यू वांट that you wanted to have 4-5 photographs, it will not be possible for you because there are so many people, those are lined up to take photographs, and it is obvious yaar, if a person is coming like 1200 or 1400 kilometer drive, then he needs to have at least 4-5 photographs. So this is what people are doing. We took around 2 photographs, which was more than enough for us. So now we are moving towards Diskit, and abhi hamara jo next point padega, that is North Pullu. So milte hain next point pe guys. So guys, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ चलता हुआ आ रहा है, मिथ नहीं कहेंगे क्योंकि कभी एक ज़माने के अंदर हुआ करता था खारदुंगला टॉप वर्ल्ड का नंबर 1 मोटरेबल रोड, बट अब ऐसा नहीं है। अब ये जो आंकड़े हैं, ये जो स्टैट्स हैं, ये बदल चुके हैं। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो इंडिया के अंदर ही और लद्दाख के अंदर ही है, बट वो खारदुंगला टॉप नहीं है गाइस। सो अब जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, दैट इज़ उमलिंगला पास, जिसकी हाइट है 19,300 फीट। फिर उसके बाद आता है बोलीविया का, उसकी जो हाइट है सी लेवल से है 18,953। फिर उसके बाद आता है माना पास और डोंगरीला उत्तराखंड के अंदर, जिसकी हाइट है 18,406 फीट फ्रॉम सी लेवल। ये जो खारदुंगला टॉप है, इसकी जो हाइट है एज़ पर दी लेटेस्ट स्टैट्स दैट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, इसकी हाइट है 17,582 फीट, और ये आता है 11th नंबर पे गाइस। सो अब हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो इंडिया के अंदर ही है, और ये जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के अंदर अभी भी कायम है, बट दैट इज़ बीइंग होल्ड बाय उमलिंगला पास। Thank you.
आराम से ही चल रहे भाई, और कितना आराम चला है, तेज चल रहा है क्या, और कितना आराम से, आराम से नहीं चल रहा भैया, आराम से चला ना, इतना भीड़ भाड़ है, अरे अरे भाई आराम से तो चल रहा है, स्लो ही तो चला रहा हूँ, कह रहा हूँ स्लो ही तो चला रहा हूँ, स्लो धीरे चला रहा हूँ, धीरे धीरे, हाँ भैया धीरे ही चल रहे हैं।